इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हम लोग इग्नोर करते हैं और क्या बोलते हैं कि फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इट ऑबेज आइडियल गैस इक्वेशन, इट ऑबेज पीवी इक्वल टू एन आर टी। आर का वैल्यू 8.3 यूनिट सर, 8.3 जूल्स होता है, 8.314। और केमिस्ट्री में हम लोग लेते हैं 0.0821, राइट, एटीएम के लिए। हाँ तो यहाँ पर क्या प्रेशर को मैं एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और ऊपर वाले का यूनिट पास्कल, पास्कल मीटर क्यूब पर मोल केल्विन। राइट, तो ये सारे एजम्पशंस हैं केटीजी में, तो ये लिखने का मना लिखो, नहीं लिखने का मना स्किप कर सकते हो। उसके बाद कुछ लॉस हैं, बहुत पीवी इक्वल टू एनआरटी पता ही है, तो बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ क्या था, प्रेशर इज पीवी इज कांस्टेंट, और क्या था, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा ये कब था, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट कब था, when temperature is constant, when temperature is constant, when amount temperature is constant and number of moles to constant hai, Charles law kya tha sir, volume is directly proportional to V by T is equal to constant, volume is inversely, volume is actually proportional directly, sir PV equal to nRT, और या फिर sir V by T is equal to constant, constant if P is constant, where P is constant, where P is constant, तो अगर pressure constant होगा तो V by T is constant, right? Yes. और कौन सा law था? सर गेलुसार्स लॉ था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर पी बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सर काम कर क्या सर, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, मतलब ये सब चीज तो पता है ना, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, फाइन, तो ये इसका क्या था, वॉल्यूम टेम्परेचर हो गया, प्रेशर वॉल्यूम हो गया, सर प्रेशर टेम्परेचर का था, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेयर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, फाइन, क्वेश्चन, ए B, C. Pressure is 30 Pascal, comma, C 100 Kelvin. Isothermal process. 660 Pascal. उसके बाद फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना होगा ना, कुछ एक और इन्फॉर्मेशन ले लो, वॉल्यूम इज 10 decimeter cube, ए टू बी इज आइसोथर्मल प्रोसेस वेयर temperature where pressure is doubled, pressure
is doubled and D2C is isobaric process where temperature is halved. Find the final pressure, temperature and volume. Find final temperature, pressure and volume. सर फाइनल वॉल्यूम जो है वो 10 डेकामीटर क्यूब है, फाइनल टेम्परेचर 150 केल्विन रहेगा, बस प्रेशर निकालना रहता है. ओके सर प्रेशर 60 होगा. प्रेशर 60 हो गया, पता नहीं मैं रैंडम बैठा है. तो मैंने कि सबसे पहले कहा कि प्रेशर इज डबल्ड, तो प्रेशर तो 60 हो गया और यहाँ आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर तो चेंज करेगा नहीं, तो 60 पास्कल ये दोनों तो प्रेशर तो डायरेक्ट प्रेशर डबल हो गया. कहाँ पे लिखा है प्रेशर इज डबल? पढ़ा ही नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर डबल तो प्रेशर 60 हो गया और आइसोथर्मल प्रोसेस था ना, तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा. तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा? 300 केल्विन. और यहाँ पर टेम्परेचर हाफ कर दिया गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 150 केल्विन. अच्छा, अगर सेल्सियस में भी दिया होता तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं, नहीं तो आंसर गलत आ जाता. ओके, हमने प्रेशर को डबल किया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम सर हाफ हो जाएगा, 5 डेसीमीटर क्यूब. और नेक्स्ट वाले प्रोसेस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को हाफ किया है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा. वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 5/2.5 डेसीमीटर क्यूब. 2.5 डेसीमीटर क्यूब.
फाइन कोई दिक्कत सर आपने ऊपर जो लॉज लिखे थे वो एक बार दिखाओ ना ओके सर थैंक यू तो वो यूज कर लो ये लॉज नहीं यूज करते हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लेते हैं ये ना एक पहले नाम ही नहीं आता था चार्ल्स लॉ में क्या था प्रेशर इज इनवर्सिबल टू बी था क्या क्या था वो अपनी याद रखने जरूरत नहीं है पीवी इक्वल टू एनआरटी याद रखो काम उतना हो जाता है सारे जगह पे केमिस्ट्री का बता नहीं फिजिक्स में हो जाएगा सर वो केमिस्ट्री में याद रखना पड़ेगा अच्छा फिजिक्स में हो जाएगा कोई मुश्किल नहीं है क्या कहते हां कोई डाउट था हाँ सर वापस बताओ ना वो वाला ये क्वेश्चन हाँ हाँ देखो सबसे पहले जब मेरा ए से बी वाला प्रोसेस हुआ है तो प्रोसेस कैसा है आइसोथर्मल आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर 300 केल्विन था तो यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा 300 केल्विन कोई दिक्कत नहीं अच्छा और उसके बाद वाले स्टेप में टेम्परेचर इज हाफ तो यहाँ पर टेम्परेचर 150 राइट हाँ सर सुन ओके अब पहले वाले स्टेप में क्या किया गया प्रेशर इज डबल्ड जो लाइन हाइलाइटेड है प्रेशर इज डबल्ड तो पहला 30 पास्कल था तो प्रेशर कितना हो गया 60 पास्कल ओके अब तो हमारा सिचुएशन क्या है पीवी समझ गया हो गया पूरा हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन टू क्लोज्ड कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर and are initially at 1.05 into 10 to the power 5 pascal and 300 kelvin temperature if the containers are connected connected by a narrow tube and one container is maintained at 300 Kelvin and other at 400 Kelvin. Then find the final pressure of the container. Find the final pressure of the container. Final pressure of the container. सर ये चैप्टर आज खत्म हो जाए हाँ मोस्ट प्रोबब्ली सर वो दूसरा कंटेनर पहले से 400 पे था नहीं पहले दोनों 300 पे था टू क्लोज कंटेनर्स कंटेनर्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर एंड आई इनिशियली एट इतना एंड 300 केल्विन दोनों 300 पे था उसके बाद एक को 400 पे मेंटेन किए एक को 300 मेंटेन किए तो बताना है फाइनल प्रेशर क्या होगा
क्या कंजर्व करेंगे इसमें सर? नंबर ऑफ मोल्स. सही है, नंबर ऑफ मोल्स. कंजर्व कर दो नंबर ऑफ मोल्स. सबको समझ में आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व होता है यहाँ पे? आया सर एक सर 1.2 × 10⁵ पास्कल होना चाहिए. हाँ ठीक है. सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये दोनों कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम V नॉट है, इक्वल वॉल्यूम है, V नॉट एज्यूम कर ले रहा, और दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 300 केल्विन, 300 केल्विन, प्रेशर भी दिया हुआ है, लेट्स से P नॉट. सो हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स या फिर इज इक्वल्स टू P naught V naught upon RT, P naught V naught upon R into T naught, पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए भी, that is twice of P naught V naught upon RT naught, जो information मुझे पता. Finally क्या system हो रहा है? अब हम इन दोनों को connect कर दिए,
अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। अच्छा कनेक्ट करने के बाद क्या सेम हो जाएगा, क्या क्या सेम रहेगा कनेक्ट करने के बाद? सर वो 400 केल्विन पे क्या है वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ मोल्स? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप देखो जैसे ऊपर में एक लेफ्ट वाला 300 पे था, राइट वाला भी 300 पे था राइट इनिशियली, ठीक है। फाइनली क्या किया हमने, इधर से कुछ हीट दिया होगा या कुछ भी किया, उससे इसका टेम्परेचर 400 केल्विन पे मेंटेन किया राइट वाला, और लेफ्ट वाले को 300 केल्विन पे मेंटेन किया, ठीक है। तो वॉल्यूम तो दोनों कंटेनर का V0 रहेगा, प्रेशर के बारे में बात करो, प्रेशर क्या होगा दोनों कंटेनर का? प्रेशर एट स्टेडी स्टेट दोनों कंटेनर का प्रेशर सेम हो जाएगा, क्यों? इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि अगर प्रेशर सेम नहीं हुआ होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो गैस इधर से उधर मूव करेगा, तो एट इक्विलिब्रियम दोनों प्रेशर सेम हो जाएगा, लेट्स से इट शुड बी पी फाइनल। तो अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, लेफ्ट वाले में पी एफ वी नॉट अपॉन आर इंटू 300, आर इंटू 300, एंड राइट वाले में पी एफ वी नॉट अपॉन आर इंटू 400। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा पी एफ वी नॉट अपॉन आर इंटू 300 इज इक्वल प्लस पी एफ वी नॉट अपॉन आर इंटू 400, ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है, इज इक्वल टू 2 पी नॉट वी नॉट अपॉन आर इंटू टी नॉट, टी नॉट क्या था 300। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, वी नॉट वी नॉट वी नॉट गेट्स कैंसल्ड, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है। तो PF 1/400 प्लस 1/300 सर वो दोनों कनेक्टेड है, सो उन दोनों ने उन दोनों कंटेनर का अलग अलग क्यों लिखा? वो दोनों कनेक्टेड है ना बीचों बीच, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, सेम हो जाएगा क्या? दोनों कनेक्टेड है तो हमने अलग अलग कैलकुलेशन क्यों किया बोला? दोनों में नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स का बात करना है ना, एज अ होल कंटेनर से नहीं किया क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो तुम किससे 300 से डिवाइड करोगे या 400 से डिवाइड करोगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा 1/300 प्लस 1/400 दैट इज 7/1200 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी नॉट बाय 300, और दिस इंप्लाइज पी एफ इज इक्वल्स टू ये क्या जाएगा 7 पी नॉट हो जाएगा 8/7 टाइम्स ऑफ पी नॉट, पी नॉट दिया हुआ था 1.05 10^5 पास से 15 से काट दो सुन में आ जाएगा। सही है, इजी था? यस सर। मोल्स ऐसा कुछ क्वेश्चन कर सकते हो ना केमिस्ट्री में? हाँ सर ऐसे ही स्टार्ट किया था हम लोगों ने केमिस्ट्री में। ठीक है ओके। तो मैं फिजिक्स का एक दो क्वेश्चन करता हूँ, केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हो काफी, इसको नोट करना है तो नोट कर लो फिर आगे चलना। डन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिगर थ्रू समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन को मैं बाद में लिख दूंगा वर्ड्स में, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन
लेट्स से ये एक वर्टिकल ट्यूब है, मतलब ग्रेविटी का भी रोल आने वाला है, ठीक है। इसमें दो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन पता है, पिस्टन पता है ना? यस ओके। दो पिस्टन लगा हुआ है ऐसा इस टाइप से, और इन दोनों को मैंने एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया, और इसमें गैस है। ठीक है, ये थ्रेड जो है इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। इसमें जो गैस है उसका नंबर ऑफ मोल्स है 1। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका सी एस ए अगर मैं ए मान रहा हूं, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है That is A plus delta S, थोड़ा सा ज्यादा है। पिस्टन, पिस्टन का एरिया, हाँ पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया, पिस्टन का मास है M1, यहाँ नीचे वाले पिस्टन का मास है, पिस्टन मास इज M2। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि कितने से टेम्परेचर चेंज कराएं सो दैट द पिस्टन विल बी डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एल। कितने से टेम्परेचर चेंज कराएं सच दैट पिस्टन जो है वो एल लेंथ से डिस्प्लेस करे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट। मैं क्वेश्चन को वर्ड्स में लिख देता हूँ, फिगर बना लो। कौन सा पिस्टन डिस्प्लेस करना है? दोनों धागा से कनेक्टेड है ना, तो ऊपर वाले को एल लेंथ ऊपर डिस्प्लेस करो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है ना? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोल रहा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, पी नॉट की डिफरेंस है ना। अगर तुम ऊपर वाले को एल डिस्प्लेस करोगे तो नीचे वाला भी एल ऊपर मूव करेगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। टेम्परेचर राइज पता करना, हाँ टेम्परेचर राइज करना है ताकि वो एल से मूव करे।
मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट भेज दूंगा इस पे एंड अच्छी और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. सर ये वर्टिकल में रखा है. हाँ वर्टिकल में रखा है. एमजी का भी रोल है. पूरा काइनेमैटिक जो भी मैकेनिक्स से पढ़े हो सब कुछ यूज करना. गैस का प्रेशर चेंज नहीं करेगा अंदर वाला. वॉल्यूम चेंज कर रहा है टेम्परेचर चेंज कर रहा है. सर वॉल्यूम कैसे चेंज किया? सर वॉल्यूम फिक्स रहेगा और प्रेशर चेंज करेगा ना. नहीं नहीं वॉल्यूम चेंज करेगा ना. अगर तुम ऊपर मूव करा दोगे, अगर तुम एल डिस्टेंस मूव करा है तो इंक्रीज में वॉल्यूम इंक्रीज क्या हुआ? एल डेल्टा एस का इंक्रीज हुआ ना वॉल्यूम. अच्छा सर आपने वो डिफरेंट सीएसए लिखा था. हाँ डिफरेंट सीएसए दिया था. ये क्वेश्चन नोट हो गया? हाँ सर. ठीक है ट्राई करो. सर नीचे स्क्रॉल करो.
कैसे प्रोसीड करेंगे, ये आइडिया मिल रहा है? सर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मतलब जो ब्लॉक सिस्टम है वो ऊपर ही जाएगा। हाँ फिर एफबीडी बना रहा हूँ अभी दोनों का, तो फिर उससे फिर फोर्सेस। ठीक है ठीक है, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना के फोर्स बैलेंस करो दोनों पिस्टन पे। सर इसमें एक्सेलरेशन आएगा ना या फिर बहुत धीरे धीरे ऐसे दोनों ऊपर जा रहे हैं? नहीं नहीं एक्सेलरेशन नहीं, धीरे धीरे रिवर्सिबल, बहुत धीरे धीरे रिवर्सिबल होगा। अच्छा ओके सर M1 प्लस M2 N2G बाय P0 आएगा क्या? क्या क्या M1 प्लस M2 N2G बाय P0? नहीं मेरे पास जो आंसर है वो ऐसा है, डेल्टा T इज इक्वल्स टू P0 डेल्टा S प्लस M1 प्लस M2 N2G into L by R, ये आंसर दिया हुआ यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट कैसे करेंगे, ये फिगर मैं कॉपी कर लूँगा। तो अगर हम लोग M1 के FBD बनाए तो M1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? ऊपर वाला पिस्टन एक M1G नीचे लग रहा होगा, एक टेंशन नीचे लग रहा होगा, और क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? प्रेशर का, प्रेशर का कौन से प्रेशर का? P0 दोनों प्रेशर का। अगर मैं इनसाइड प्रेशर का बात करूं तो ऊपर की ओर इनसाइड प्रेशर लेट्स से P है, तो P इनटू A प्लस डेल्टा S, और P0 के कारण P into A plus delta S। अगर मैं M1 के FBD बनाऊं तो
तो यहाँ से मैं बस इक्वेशन क्या बनेगा, एक मिनट, पी नॉट इक्वेशन क्या बनेगा, क्यों लगा, क्योंकि प्रेशर ऊपर है ना, तो प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा ना, अंदर का प्रेशर पी, अंदर का प्रेशर बी है तो पी बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, पी नॉट अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लो अंदर का बुक पी था, अंदर का प्रेशर बी मैंने अज्यूम किया हूं, अच्छा पी अज्यूम किया हूं, वो गिवन नहीं था, पी अज्यूम था, ठीक है सर, बट पी नॉट होना चाहिए ना, अगर कांस्टेंट रह रहा है तो P not नहीं होगा ना, वहाँ M1 है तो M1 की वेट के कारण भी तो प्रेशर ऐड होगा ना, ठीक है, इनसाइड प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P एज्यूम, और अगर हम लोग M2 का FBD बनाए तो M2 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, M2 पे एक उसका वेट एम टू जी, ऊपर की तरफ टेंशन, प्रेशर इनसाइड प्रेशर वाला फोर्स पी ए बाहर की तरफ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पी नॉट ए ऊपर की तरफ, राइट, एम वन, तो फोर्स बैलेंस ऑन एम वन हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स बैलेंस ऑन एम वन ये मिलेगा, नीचे की ओर है एम वन जी पी नॉट ए प्लस डेल्टा एस, एम वन जी प्लस टी प्लस पी नॉट ए प्लस डेल्टा एस, ये तीनों नीचे की ओर है, और ऊपर की ओर है पी ए प्लस डेल्टा एस, पी ए प्लस डेल्टा एस, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फोर्स बैलेंस ऑन एम टू, नीचे की ओर है एम टू जी प्लस पी A is equals to T plus P naught A. Second. अब क्या करें? सर टेंशन को एलिमिनेट कर देंगे तो सेकंड वाली इक्वेशन से टेंशन की वैल्यू निकाल के पहले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें प्रेशर अंदर का आ जाएगा, मतलब बेसिकली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ सर right. वैसे भी हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो हमने फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, M1 plus M2 into G plus T, तो कैंसिल ही आउट होने वाला है, प्लस पी नॉट ए प्लस पी नॉट डेल्टा एस प्लस पी ए, टी अभी लिख देता हूँ फिर कैंसिल कर देंगे, कर दूंगा, इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी डेल्टा एस प्लस टी प्लस P not A, बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए, P not A, T, P A, देखो हमें A गिवन भी नहीं था, हमें क्या गिवन था, डेल्टा S गिवन था, चेंज इन एरिया या डिफरेंस इन एरिया, यहाँ से हमारा A से इंडिपेंडेंट टर्म भी आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बन गया, P not डेल्टा S प्लस M1 plus M2 times of G is equals to P delta S. या फिर delta S से अगर हम लोग divide कर दें तो P naught plus M1 plus M2 into G by delta S is equals to P. Third. यहाँ तक कोई दिक्कत? Excuse me sir. हाँ. सर हम लोग इसमें ये क्यों अज्यूम कर रहे कि दोनों पिस्टन ऊपर ही जाएंगे, दोनों पिस्टन ऊपर की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या कनेक्टेड है, एक इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, क्वेश्चन में दिया था, हाँ सर, तो ऐसा पॉसिबल है क्या एक ऊपर जाए एक नीचे जाए, नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ऊपर या नीचे क्यों नहीं जा सकते दोनों साथ में, अगर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसलिए दोनों ऊपर ही जाएंगे ना, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम इंक्रीज करना है, अगर नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम, हम इन्वर्ट कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा ना सिनेरियो, तब फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, तब वो नीचे जाएंगे, वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए, फाइन, तो इन तीनों इक्वेशन में कोई दिक्कत किसी को,
No, sir. ठीक है. So let's say initial temperature was T1. Initial temperature as in कर लेते हैं. T is equal to nRT करके पूरी equation को differentiate कर सकता है. मतलब डेल्टा करके कर सकते हैं. तो तुम्हारे पास dx by dt का टर्म नहीं आएगा ना. PB equal to nRT. T is equal to nR by P into T कर देंगे तो delta V is equal to nR by P into delta T हो जाएगा. तो सीधे चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा ना. वो भी कर सकते हैं, चलेगा. या फिर डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, मान लो इनिशियल वॉल्यूम V था तो PV equal to nR T1, फाइनल टेम्परेचर T2 हो गया, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया होगा अगर मैं L से इंक्रीज कराया? सर V प्लस L डेल्टा S हो जाएगा. हाँ, तो A प्लस डेल्टा S माइनस L इनटू A होगा. नहीं, इतना से इंक्रीज होगा वॉल्यूम, इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम इतने से होगा, राइट? हाँ सर, इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम. तो प्लस V नॉट कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम मिल गया इज इक्वल्स टू एन आर टी टू. एक बार वो चेंज चेक करो, इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम सही है क्या? सर ये क्या किया वॉल्यूम? देखो अगर मान लो एल लेंथ तुम्हारा ऊपर गया, ठीक है, ऐसा फिगर था, इसका एरिया क्या था? ए प्लस डेल्टा एस, राइट? तुम एल लेंथ ऊपर गए तो कितना एरिया बढ़ा? ए प्लस डेल्टा एस इंटू एल, इतना एरिया, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, राइट? और ये वाला जो है ये भी तो ऊपर आया होगा एल से, तो कितना एरिया घटा? वॉल्यूम घटा, माइनस एल घटा. तो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम हम लोग इतना लिख सकते हैं एल डेल्टा एस, ठीक है? तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? इतना प्लस वी नॉट, दिस इज इक्वल टू एन आर टी टू. तो ये वाला क्वांटिटी हो क्या बन गया? एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, पी टाइम्स ऑफ एल डेल्टा एस प्लस वी नॉट इक्वल टू एन आर टी टू. दोनों को इक्वेशन को माइनस कर दें सर, डेल्टा टी इक्वल टू पीएल बाय आर डेल्टा एस हो जाएगा. और डेल्टा टी इज इक्वल टू पीएल डेल्टा एस बाय आर, ठीक है? तो यहां से अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो पी ये इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट लग देता, फर्स्ट माइनस फोर्थ, फिफ्थ माइनस फोर्थ, PV naught cancel, PL delta S is equals to NR T2 minus T1. और तुम्हें क्वेश्चन में N क्या दिया हुआ है? 1. तो यहाँ से आ जाएगा T2 minus T1 is equals to PL delta S upon R. अब देखो कहीं से पी एल डेल्टा एस निकाल सकते हैं क्या? पी हमें पता था समवेयर, यस, यहाँ हमें पता है पी, इक्वेशन थर्ड. तो पी का यहां से वैल्यू में ले जाके उधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पी हमें ये पता है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1 इक्वल टू P0 प्लस M1 प्लस M2 इंटू G बाई डेल्टा S, ये हो गया P इंटू L डेल्टा S बाई R. कोई दिक्कत? नो सर, थोड़ा ऊपर कीजिए ना. हाँ ओके, जस्ट अ मिनट. P naught into delta S को अंदर ले आओ, P naught delta S plus M1 plus M2 into G into L by R. ये आ गया temperature difference. कहाँ पे? Starting से देख लो, हो गया?
सर ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं क्यों? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, एडवांस में। क्या सर ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं, मेंस में नहीं आएंगे? मेंस में शॉर्ट वाले। डन सर। डन ओके। हो गया सबका? किसी को कोई डाउट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो बता दो। सर इसमें मतलब कंटेनर के अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस एम वन जी क्यों नहीं हुआ? पी नॉट प्लस एम वन जी। हाँ सर, क्योंकि प्रेशर तो यूनिफॉर्म रहेगा, तो फिर अगर इक्विलिब्रियम पे है इनिशियली तो धागे में टेंशन भी तो है ना, धागे में टेंशन भी तो होगा। टेंशन है। हाँ सर टेंशन। एक ट्यूब है हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ एल। तुम लोग का रोटेशन हुआ ना? अरे रोटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट यूज नहीं है। ठीक है, एक ट्यूब ऑफ लेंथ एल, इसको दोनों एंड पे हमने क्लोज कर दिया और इसके अंदर एक आइडियल गैस भरा, आइडियल गैस ऑफ मॉलिकुलर वेट एम, ideal gas of molecular weight, molecular mass m, इसके अंदर भर दिया। अब इस एक्सिस के बाद उसको कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। जस्ट अ मिनट। टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट, मान लो इस एंड का प्रेशर पी टू है, इस एंड का प्रेशर पी वन है, तो प्रूफ करना है पी टू इज इक्वल टू पी वन टाइम्स ऑफ ई टू द पावर एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टू आर टी। सर आइडियल गैस है तो पी टू और पी वन कैसे होगा? दोनों इन पे प्रेशर डिफरेंस होगा ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर, तो आइडियल गैस पे नहीं लगते ना कुछ। तुम ऐसा मान लो कि पी टू जो है वो जो दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन है ना, इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो है। अच्छा वो। सर इसको स्टार्ट करने का कुछ आप थोड़ा आइडिया बता सकते हैं क्या? हाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट लो एक्स पे डी एक्स वेट का, उस टुकड़े के बारे में सोचो क्या हो रहा है, उसके दो एंड पे प्रेशर डिफरेंस क्या होगा,
उसको इंटीग्रेट करो. ओके सर, मास यूनिफॉर्म हो गया है. यूनिफॉर्म कैसे होगा? मास से फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं. यूनिफॉर्म हो गया तो पी टू पी वन इक्वल हो जाएंगे. क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? निकालना क्या है? किसी को आ रही है क्या बस? सर वो पूछ रहे हैं निकालना. पूछ रहा है कि क्या सर निकालना क्या? तुमको प्रूफ करना है ये P2 equal to P1 times of this quantity. प्रूफ P2 is equal to P1 times of. हिंट है, एग्जिस्टेंस पे एलिमेंट लो, फिर सोचो दोनों एंड पे प्रेशर अलग अलग होगा. अब ये सोचो जो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स कौन दे रहा होगा? वहां से एक रिलेशन आएगा और उसके बाद तो हो जाएगा. आई थिंक अच्छा, वो वेलोसिटी वाला भी करना था ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सर. वो आपने बता दिया था फॉर्मूलेस. ठीक है, वैसे उससे काम हो जाएगा केमिस्ट्री वाले से, कोई ज्यादा कुछ है नहीं. कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, डिफिकल्ट वाले. सर आप इसको सॉल्व करेंगे क्या प्लीज? हाँ हाँ करेंगे. ओके, कोई एक आदमी हेल्प करो, कैसे करना? सबसे पहला काम क्या करो? सर एक मिनट. सर वो एलिमेंट लिया लेकिन मास ही नहीं मालूम है. मास ही नहीं मालूम है, डीएम मान लो ना. हाँ सर, डीएम माना, फिर दो दो वेरिएबल इंटीग्रेट कैसे करें? तुमको एम क्या दिया हुआ? एम तो कुछ दिया हुआ
कैपिटल एम क्या है टोटल मास हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ सर इसमें वो यूआरएमएस का और वो स्पीड वाला कांसेप्ट यूज होगा क्या नहीं 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 सर क्योंकि एल डिस्टेंस पे वो रोटेट करेगा तो नहीं नहीं सर PDV इक्वल टू NITS कर लो वहां से देखो कुछ बनेगा एक इक्वेशन तो यहां से एक्सेशन पे एक dx एलिमेंट लिया इस पे मान लो यहां पर प्रेशर P है यहां पर प्रेशर थोड़ा सा चेंज हो गया P प्लस dp राइट तो इस एलिमेंट को अगर मैं देखूं तो दो फोर्स लग रहा होगा एक तो इधर की ओर P टाइम्स ऑफ लेट्स से क्रॉस सेक्शन एरिया है और एक इधर की ओर P plus dp times of ये एक और कौन सा फोर्स होगा सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कितना होगा सर m ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा m omega square x तो लेट्स से इसमें मास dm है तो m omega square x तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं p plus dp into a is equals to pa plus dm omega square x ये पहला इक्वेशन बन गया या फिर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं pa कैंसिल आउट हो जाएगा a dp is equals to dm omega square x adp ये आ गया राइट अब क्या करें हम बस एक और रिलेशन बताया pv equal to nrd तो अगर मैं उस छोटे से कॉलम के लिए लगाऊं p dv is equals to n क्या लिख सकते हैं हम लोग dm upon capital n ये n होगा राइट बस ये बन गया तो यहां से देखो क्या आ गया दिस इंप्लाइज dm इज इक्वल्स टू pm dv dv क्या था dv को भी हम लोग कुछ और लिख सकते हैं dv को adx लिख सकते हैं हां सॉरी adx adx छोटा सा वॉल्यूम तो pm a dx अपॉन RT तो छूट नहीं रहा है ना PM A DX अपॉन RT फाइन तो DM मिल गया ऊपर सब्स्टिट्यूट करो और बस आ जाएगा ADP इज इक्वल्स टू PM A अपॉन RT इनटू ओमेगा स्क्वायर X DX इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है x मेरा 0 से सर p2 से p1 और l से 0 तक p1 से p2 तक ना मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं p1 से p2 तक ठीक है तो ये बन जाएगा adp एक p कहीं एक इधर p है ना वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा पहले सर aa भी कट जाएगा ना दोनों तरफ a के हां aa कट जाएगा यहां से जो एक p था वो मैं नीचे भेज दिया क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा पहले तो ये हमारे पास बन गया a 1 upon p का इंटीग्रेशन lnp a lnp is equals to मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट एक मिनट a कट गया ना a कट गया तो a कैंसिल आउट हो गया ये हो गया lnp इक्वल टू m upon rt m कांस्टेंट r कांस्टेंट t कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू l तो ये बन गया दिस इंप्लाइज ln p2 बाय p1 इज इक्वल्स टू m बाय rt ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाय 2 और यहां से बन गया p2 बाय p1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर m omega square l square by
टू आर टी भाई इनको दिक्कत ठीक है यस यस सर ओके तो यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली तुम्हारा केवल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा है केमिस्ट्री में जो भी तुम किए हो सेम काम कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर अच्छा केमिस्ट्री में तुम लोगों को वो पढ़ाया क्या ह्यूमिडिटी सर नहीं वेपर प्रेशर पढ़ा वेपर प्रेशर पढ़ाया रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं ह्यूमिडिटी नहीं वेपर प्रेशर बस सर ह्यूमिडिटी पूछ रहा है क्या हां हां ह्यूमिडिटी हाँ सर उसके एक दो फॉर्मूले कराए थे कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ किया नहीं था अच्छा हाँ मतलब बस फॉर्मूला पता होना चाहिए ठीक है फॉर्मूला नोट कर लो ह्यूमिडिटी क्या होता है ये तो पता है ना हाँ सर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाता है राइट तो नेक्स्ट स्टडी में तो ह्यूमिडिटी अगेन इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं ह्यूमिडिटी पे कभी एचसीएल में एक दो क्वेश्चन है तो एचसीएल में एक बार रीड कर लेना फिर उसके क्वेश्चन कर लेना द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ यूनिट volume of air is called absolute humidity Next is relative humidity. Relative humidity. The ratio of the amount of water vapor. The amount of water vapor. present in given volume to the amount of water vapor required to saturate the volume में क्या मतलब होता है वो सर वो इवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे उस पॉइंट के बाद और कुछ मतलब सर उसके बाद कंडेंस होना चालू हो जाएगा ज्यादा वाटर वेपर आए तो हाँ मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो ऐसा पॉइंट जब और वाटर वेपर हम लोग एयर में ऐड नहीं कर सकते दैट इज सैचुरेशन जैसे तुम लोग वो पढ़े होगे वो तो बस एडिशन ऑफ शुगर इन वाटर तो एक पॉइंट ऑफ टाइम का शुगर वेपर प्रेशर जैसा ही है हां वेपर प्रेशर जैसा ही है तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना वाटर कंटेंट है
और मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं उसी टेम्परेचर पे उस फिक्स वॉल्यूम में, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ऐसा क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो, जैसे मान लो अभी तुम्हारे सराउंडिंग में एयर है, तो उस एयर में मान लो तुम्हारे रूम में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, लेट्स से बी वॉल्यूम ऑफ एयर है और उसमें एक ए वॉल्यूम वाटर कंटेंट है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलता है कि वो जो ए है और मान लो तुम उस रूम को सैचुरेट कर दिया, मतलब अब इससे ज्यादा वाटर वेपर तुम रूम में नहीं ऐड कर सकते, तो फिर वाटर वेपर कंटेंट जो है वो बी है, तो उन दोनों का रेशियो है. तुम ऐसा सोचो ना, इस टर्म में सोचो, मान लो तुमने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें चीनी डाला थोड़ा सा, तो चीनी घोल दिया उसमें, अब तुम चीनी घोल रहे हो तो एक टाइम के बाद तुम और चीनी नहीं घोलेगा जब तक तुम टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करोगे तो, राइट right. तो मान लो तुमने इनिशियली m ग्राम डाला था और m नॉट ग्राम के बाद और ऐड नहीं होगा, तो m बाई नॉट तुम लोग रिलेटिव बोलेंगे. प्लस उस तरह से बारे में सोचो कि एयर में जब हम लोग वाटर डाल रहे हैं तो m ग्राम डाले हैं और मैक्सिमम m नॉट डाल सकते हैं, तो m बाई m नॉट इज रिलेटिव. ठीक है. अच्छा एक और टर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग आर एच से रिप्रेजेंट करेंगे. आर एच को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ एयर अपॉन स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर. क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं सर? वो लीनियरली रिलेटेड है, सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ वेपर. हाँ कंसंट्रेशन बोल सकते हो, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर. एसवीपी मतलब स्टैंडर्ड सर, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर एट द सेम टेंपरेचर, ये तुमको गिवन होगा. हाँ एक्चुअली एक क्या आती है कॉलेज में, तो मुझे हम लोग को एक हैंडबुक दिया गया था, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन था, सारा डायरेक्टली लिखा हुआ था. आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कुछ तो था. चलो प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट. Amount of vapor present. इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे ना वो वैसे आते हैं कि दो कंटेनर है, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो फाइनल क्या चीज होगा, ये सब चीज आगे क्वेश्चन पूछते हैं. एक बार एचसीएल में अटेम्प्ट करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और जो डाउट्स होंगे वो पहले डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो एचसीएल में तो पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना. एचसीएल में हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से पहले तक? नेक्स्ट क्लास से 62 क्वेश्चंस है. नाइस. नेक्स्ट क्लास को दो. Next class July day evening. Next class इस वीक में नहीं है. Next class इस वीक में नहीं है और अगले वीक में भी मंडे ट्यूसडे को नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ नहीं यहाँ पे, तो काफी टाइम मिलेगा फिर तो हो जाएगा ना. हाँ सर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के पहले ये पूरा चैप्टर खत्म करना और मैं तुम लोग को एक और असाइनमेंट भेज रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एचसीएमओ में तो नहीं, एचसीएमओ में कुछ क्वेश्चन थ्योरी तुमको पढ़ना पड़ेगा, वहां पे बिल्कुल इजी था
दो को कंटेन कर देगा और पूछेगा कि फाइनल क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर पे सर, उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे सर। ये जो फिजिक्स वाले टाइप के थे वो थोड़े हार्ड थे क्वेश्चन। हां फिजिक्स वाले टाइप जो तुम्हारा यहां इन्वॉल्व करेगा, पूरा टेंशन है सर इस टाइप का, ये जिसमें पूरा का पूरा मैकेनिक्स देखा सर। हां ये दोनों एडवांस क्वेश्चन है, पूरा का पूरा मैकेनिक्स आ जाएगा उसमें, फिर तो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट बन सकता है। ठीक है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एचसीएल में नहीं होगा। क्या जो असाइनमेंट भेजोगे उसमें मैकेनिक्स वाले मिक्स रहेंगे ना? हां उसमें नहीं, उसमें नहीं होंगे, सेकंड लेवल वाले में मिक्स होंगे, सेकंड लेवल का भी एक असाइनमेंट भेजेंगे। अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे थ्रेड है, वहां पे स्प्रिंग भी हो सकता है, स्प्रिंग अटैच कर दिया, अरे तो उस टाइप के क्वेश्चन कितना कचरा है। उस टाइप के क्वेश्चन में एक बार वर्क डन और ये सब खत्म कर लेते हैं, अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, तो साथ में हीट भी दे देंगे और स्ट्रिंग में लगा देंगे, फिर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। वो हीट दे देंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में पूरा, हाँ इसलिए मैं थर्मो के बाद वो क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा। ठीक है स्ट्रिंग से कनेक्टेड वाला, अदरवाइज अभी के लिए अगर तुम्हारे क्वेश्चन में स्ट्रिंग आ रहा है तो स्प्रिंग फोर्स kx force upon area, kx upon area लेके उसको pressure separate करके question solve कर सकते हैं। ठीक है लेकिन जब work done वाला part आ जाएगा ना string में तब मजा आएगा, तब देखते हैं। ठीक है which topics are we having more weightage important that comes maximum times in JEE? ऐसा कुछ नहीं यार, कोई भी topic कितना भी आ सकता है, JEE mains मेंस में मॉडर्न फिजिक्स को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है जो कि काफी सिंपल है, तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में कभी कभी, और एक बार जैसे आई थिंक 2012 में रोटेशन के 12 क्वेश्चन आ गए थे एडवांस में, 11 या 12 क्वेश्चन आ गए थे रोटेशन के 12 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन उससे थे, कोई फिक्स नहीं एडवांस का पैटर्न, तुम लोग अभी फिक्स नहीं है कि 16 ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और 10 क्वेश्चन अगर आए आगे फिर तो हो गया, इतने डिफिकल्ट आएंगे सर फिर तो ओलंपियाड हो जाएंगे। हाँ मतलब 10 जनरली नहीं होगा, 15-16 ही रहेगा, या 16 से 25 के बीच में कुछ, और मार्किंग स्कीम भी अलग अलग होता है, जैसे कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन पूछ देता है +4 -2 मल्टीपल +4 -2 कॉम्प्रिहेंशन +10 -4 ऐसा कुछ भी पूछ देगा, कोई भी कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है चलो फिर एचसीएल में एक बार कंप्लीट करो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और थर्मोडायनेमिक्स डिटेल्स में चलेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में भी यूज होगा वो वाला पार्ट, और थोड़ा सा कंफ्यूजन है रहेगा दोनों का। ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. Hello, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, 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 sir.